अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन क्रिप्स रेसिपी और केएफसी स्टाइल। ये बहुत नाइस और अच्छी बनती है। चिकन को पहले हम कट लगा लेंगे और इसमें जो जो अशियाँ डलती हैं, इसमें पेपरिका 2 टेबलस्पून, गार्लिक 2 टीस्पून, नमक हसब ज़रूरत और बटर मिल्क क्रीम जो आज आपको मैंने पहले बनानी भी सिखाई है, और मैदा 2 कप। तो हम इसको मैरिनेट करते हैं। पहले चिकन को काली मिर्च और नमक लगा के मैरिनेट करते हैं। ये थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसके ऊपर, जस्ट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम इसमें इसके ऊपर काली मिर्च क्रश करके डालेंगे। इस पर थोड़ी सी काली मिर्च हम डाल देंगे और इसके बाद इसको हम बटर मिल्क को हम इसमें डालेंगे, बटर मिल्क क्रीम को, और इसमें हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स करें ताकि नमक और काली मिर्च अच्छे से इसके अंदर लग जाए। और अब इसके बाद हम इसको बटर में ऐड कर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेट करेंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इससे बहुत नाइस और बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा बनता है, सॉफ्ट बनता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसको हम मैरिनेट करके 10-15 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम मैदे में चीज़ें ऐड करते हैं। अब हम इसमें मैदा डालेंगे और इसमें ये गार्लिक पाउडर, पेपरिका, काली मिर्च और नमक, सॉरी काली मिर्च मैं बताना भूल गई थी, तो ये तमाम चीज़ें डाल के अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम मैरिनेट चिकन जो है इसके ऊपर इसको लगाएंगे, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये तमाम अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये अब, ठीक है। अब हम इसको कढ़ाई में फ्राई करते हैं। तो अब चिकन को हम इसमें थोड़ा सा लगाएंगे मैदे वाला, घी में फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे। पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा घी रेडी हो गया। 10 मिनट हमने इसको एक तरफ पकाना है और 10 मिनट एक तरफ, इसमें तापमान है। इस तरह हमने इसको इसके अंदर रोल करना है। ये बहुत नाइस और बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छे बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हिलाना नहीं, 10 मिनट पकाना है इसको एक साइड से, 10 मिनट एक साइड से। इसी तरह हमने तमाम ये डाल लेने हैं और इसको फ्राई करना है। 10 मिनट हमने इसको एक साइड से पकाना है और 10 मिनट एक। अभी इसको मूव नहीं करना। ये देखें कितने नाइस बन रहे हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी करें।
इसको मीडियम आंच पे पकाना है। 10 मिनट बाद अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि इसको पूरे 10 मिनट हो गए हैं बनते हुए, फ्राई होते हुए। तो आप ये देखें कितना नाइस बन रहा है, कितना क्रिस्पी। ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली डिश है, और आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही नाइस बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये बच्चों के लिए तो बहुत ही नाइस है। अगर बच्चों के लिए बनानी है तो ज़रा थोड़ी सी मिर्च कम कर दें, और सो नाइस, सो टेस्टी। अब 10 मिनट अब दूसरी साइड को पकाना है आपने। अब ये रेडी हो गए हैं, हम इसको निकालते हैं। ये देखिए हमारा चिकन रेडी हो गया है। ये बहुत नाइस क्रिस्पी बना है, बिल्कुल KFC स्टाइल का। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ये वाकई बहुत टेस्टी है, आई लाइक इट।